हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज देखिए एक प्लांट लेकर आई हूँ। सीड ग्रोन प्लांट है, हाइब्रिड सीडलिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। और आज इस पर मैं क्या काम करने वाली हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको जितने भी सूखे हुए फूल हैं उनको हटा लेना है प्लांट से। प्लांट के जो फ्लावर है आप देख रहे हैं मुरझाए हुए से हैं, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। देखिए पूरी सैंडी सॉइल है और पूरा सूखा हुआ है ये। तो कोडेक्स अगर दिखा दूँ तो कोडेक्स काफ़ी अच्छा है इसका, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। तो ये पिंक कलर में डबल, थोड़ा ट्रिपल सा लेयर है इसमें, डबल है मतलब बीच में थोड़ा सा और है, ट्रिपल जैसा है। और ये देखिए इस तरह से आने वाले सीजन में ये ट्रिपल ही खिलेगा, अभी डबल खिल रहा है, मतलब डबल से बीच में और है, डबल में ये बीच में नहीं रहता, बीच में खाली रहता है। तो ये ट्रिपल लेयर के फूल हैं। और ब्रांच आपको दिखा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 ब्रांचेस हैं इसमें। तो इस तरह से ये हो रहा है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं इसकी आज पत्तियाँ कट करने वाली हूँ। पत्तियाँ कट करने का रीज़न अगर आपको बता दूँ, देख सकते हैं आप प्लांट इतना ज़्यादा घना है, और अभी कुछ दिन में बारिश स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब बारिश स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो इतना ज़्यादा घना प्लांट ये बारिश में और ज़्यादा घना होगा, बहुत ही ज़्यादा घना होगा। इसके पत्ते भी बड़े होंगे और साथ में जो इसकी ब्रांचेस है ना, थोड़ी सी ऐसे झुकेंगी, नीचे की तरफ ऐसे लटकेंगी, क्योंकि ये थोड़ा वेट होगा बारिश के पानी से, वेट होगा, पानी भी इनमें भरा रहेगा। और जब बहुत ज़्यादा इनमें पत्तियाँ रहेंगी ना, तो थोड़ा सा फंगस लगने के चांस हो सकते हैं। तो अगर आपका प्लांट कोई भी ऐसा है जिसे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हैं और साथ में फ्लावरिंग भी कम करता है, जो प्लांट जिनमें पत्तियाँ ज़्यादा होंगी ना उनमें फ्लावर कम आएंगे, पर यही है थोड़ा सा पत्तियाँ अगर आप कम कर देंगे तो जो एनर्जी है ना वो ऊपर के टिप पे लगाएगा, जहाँ से आपके कलियाँ निकल कर आएंगी। अब इसमें देखिए मैंने ऑर्गेनिक पोटास दिया था, उसके बाद एक ब्रांच पे कलियाँ आई हैं, अब धीरे धीरे आनी शुरू है। देखिए इसमें भी आ गई हैं, अब इसमें भी आएंगी, तो धीरे धीरे आएंगी क्योंकि अब हो गया इसका टाइम खिलने का। और लास्ट ईयर मैंने इसको सीड से ग्रो किया था, फरवरी मार्च जनवरी में ग्रो किया था मैंने इसको, तो लगभग ये 12-14 महीने का प्लांट है, 14-15 महीने का। और एक प्लांट ये भी है, देखिए ये भी इसी के साथ का है सेम। तो इसकी आज मैंने पत्तियां सारी हटा दी हैं, यहाँ से देखिए इतनी ज़्यादा पत्तियां थी कि पत्तियों की वजह से ये फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा था। तो पत्तियां मैंने इसकी ऐसे तोड़ कर ही हटा दी, उस समय मेरे पास सीजर नहीं था हाथ में, तो ये थर्ड फ्लोर पर था प्लांट मेरा। तो ये देखिए इसी तरह से पूरा भरा हुआ प्लांट था, लेकिन जब पत्तियाँ हटा दी तो देखिए अभी ये इतना बचा हुआ है। तो पत्तियों को कट करना इसीलिए ज़रूरी है। अब ये ब्रांच खुली खुली सी हो गई हैं, इनमें अच्छे से हवा लगेगी, और साथ में क्या होगा, जो इनकी ब्रांच है ना ये थिक होंगी, थोड़ी मोटी होंगी, मजबूत होंगी, इनमें धूप पड़ेगी, इनमें अच्छे से हवा लगेगी, अच्छी सनलाइट पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ऐसे रूट से एकदम जड़ से मत हटाइए, जड़ से हटाने से थोड़ा सा ये होता है कभी कभी वहाँ से फंगस भी लग सकता है। तो आपको काम करना है सीजर से कट कीजिए, सीजर लेकर के इस तरह से कट कीजिए पत्तियों को, और जो टिप बचा रह जाएगा ना नीचे का, वो 2-3 दिन में सूख करके अपने आप फिर गिर जाता है, उसको आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बाद में आप गमले से हटा दीजिएगा, तो ये देखिए इस तरह से पत्तियों को हटा देंगे तो हमारी जो ब्रांच है, एक तो इसका वेट कम हो जाएगा थोड़ा सा, और साथ में फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेंगे और बरसात के लिए भी हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि अब हम इसकी प्रूनिंग अभी नहीं करना चाहते, या तो फिर आप प्रूनिंग कर दीजिए एक बार फिर से। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी 2-2 बार प्रूनिंग करनी पड़ जाती है, इसकी तो मैंने नहीं की थी, तो मतलब सीड ग्रोन था तो यही था, फ्लावर का वेट कर रही थी कब खिलेगा, तो पता चले इसमें कौन सा फ्लावर खिलने वाला है। क्योंकि भले वो हाइब्रिड सीडलिंग सीड हो मतलब, लेकिन फ्लावर हम नहीं बता सकते कि उसमें सिंगल आएगा, डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, या फिर कौन सा कलर आएगा, चाहे जिसका भी हो, रेड का है तो भी से हमें डाउट रहेगा, मतलब नहीं पता चलेगा। हाँ, ज़्यादातर कुछ प्लांट मतलब रेड है तो रेड ही निकलता है, पिंक है तो, ये देखिए जो सीडलिंग है ना ये मैरून कलर के सीडलिंग है, लेकिन पिंक कलर के फूल इसमें आए हुए हैं, तो कलर का भी मतलब कंफर्म नहीं होता है, तो इसीलिए वेट करना पड़ता है जो सीड ग्रोन प्लांट होते हैं हाइब्रिड वाले। देसी में तो देसी निकलेगा ये तो पक्का पता होता है, लेकिन हाइब्रिड में हाइब्रिड भी निकल सकता है और देसी भी निकल सकता है, इसलिए उसका वेट करना ज़रूरी होता है। मैंने तो 10-15 प्लांट इनके ग्राफ्ट भी कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास रूट स्टॉक नहीं थे, पर मतलब काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट निकल करके आते हैं जब हम ग्राफ्टिंग नहीं करते इनकी, और ये अपने आप मतलब डबल पेटल या सिंगल ट्रिपल पेटल के निकल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कट करते जाएंगे, तो ऊपर की टिप आपको छोड़ देनी है, ऊपर की टिप नहीं कट करनी है, बस नीचे नीचे की पत्तियां आपको हटानी है। नीचे की पत्तियां हटाने से आपका जो स्टेम है मजबूत हो जाएगा, थोड़ी इसको थिकनेस मिल जाएगी, मजबूती मिल जाएगी, थोड़ा बोन मिल, और अगर कैल्शियम है आपके पास तो उसको भी आप दे सकते हैं, उससे इनकी जो
बोन मिल में वैसे भी कैल्शियम होता है, बोन मिल में फास्फोरस और कैल्शियम होता है, तो अगर बोन मिल एक एक चम्मच आप प्लांट को दे देंगे तो इनका जो कोडेक्स है और ज़्यादा बढ़ेगा और साथ में इनके जो ब्रांचेस हैं वो भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो बस यही बताना था आपको। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि इस तरह से आप अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं, तो चलिए कट कर लेती हूँ। कट करते करते आपको दिखाते रहूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं, इसलिए मैं इसको कट करके पूरा प्लांट आपको दिखाती हूँ फिर। तो ये देखिए इतने सारे पत्ते मैंने कट कर दिए हैं और ये इतना ढेर हो गया पत्तों का, काफ़ी सारे पत्ते निकले इसके। तो इतनी इतनी टिप मैंने छोड़ दी है, अब इनमें फिर से पत्ते और आएंगे अभी और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और वैसे प्रूनिंग कर दूँ तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट लुक में रहेगा, लेकिन अभी मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करना चाहती हूँ, इसकी ब्रांचेस में बढ़ने दूँगी उसके बाद फिर बाद में, क्योंकि अभी ना तो इनकी ब्रांच को ग्राफ्ट किया जा सकता है और ना इनकी कटिंग लग सकती है। बाद में कट करूँगी तो इनकी कटिंग में लगा दूँगी, तो मतलब कि जो ग्राफ्टेड प्लांट की बजाय मतलब कटिंग से ग्रो हुए प्लांट डबल पेटर में भी तैयार हो जाएंगे कुछ, और नहीं तो ऐसे अभी कट करूँगी तो इनके जो प्लांट है ये सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो बस यही बताना था आप लोगों को। ये देखिए, और इसका तो मैंने ये देखिए बिल्कुल अरेबिकम की शेप में है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। और अरेबिकम की पत्तियाँ भी इसीलिए कट कर दी जाती हैं ताकि उनको कॉम्पैक्ट लुक दिया जा सके, बहुत ज़्यादा हाइट वाला प्लांट अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और देखिए इनको हम इस तरह से बोनसाई लुक में थोड़ा और इधर अगर झुका देते हैं ब्रांचेस को, लोग तो वायरिंग करके झुकाते हैं, मेरे प्लांट मतलब ऑलरेडी ये देखिए तो बिल्कुल झुका हुआ है चारों तरफ से काफ़ी अच्छे से, ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा बैंड करते करते, लेकिन बाद में ग्राफ्टिंग अगर इसमें सिंगल निकलता है तो मैं इस प्लांट में ग्राफ्ट कर लूँगी कुछ अच्छा सा कलर, और अगर डबल पेटल निकलता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, डबल या ट्रिपल निकलता है तो अच्छा है। तो इस तरह से देखिए आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे एक दो प्लांट उधर भी हैं, आप देखिए कितने ज़्यादा उनमें पत्ते पत्ते पूरे भरे हुए हैं, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको पास से दिखा देती हूँ ये देखिए, लेकिन बारिश में वही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ पत्ते मैं इनके भी हटाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा वहाँ से गमले निकालने भी मुश्किल है। ये दो प्लांट मेरे काफ़ी ज़्यादा पत्तों से भरे हुए हैं, देखिए ये और ये वाला, वैसे पत्ते सभी में हैं अच्छे, मतलब पत्तों के साथ ही प्लांट अच्छा दिखता है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम पत्ते कुछ कम कर दें तो सही रहता है। अब वो अगर झुकने का नहीं रहता, मतलब चांस ब्रांचेस थोड़ी मजबूत रहती तो शायद मैं पत्ते ना हटाती, लेकिन इसकी ब्रांचेस बरसात में बहुत ज़्यादा झुकने लगती है इसीलिए मैंने इनको हटा दिया। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।